स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और तमाम स्टॉक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट हम देख पा रहे हैं। मिलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कोई खास नज़रिया पीएसयू स्टॉक्स पे? बिल्कुल, देखिए पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से एक तरफा रैली हमने इस पर्टिकुलर स्पेस में देखी थी, उसके बाद ये एक स्वाभाविक है कि प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल निफ्टी पीएससी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 11,000 के लेवल के आसपास है और यहाँ से थोड़ी सी डिक्लाइन टूवर्स 10,850 के जोन में आती हुई नजर आ सकती है। विद इन दिस स्पेस जिस हिसाब से ONGC, NTPC, कोल इंडिया, इनफैक्ट ये सारे सरकारी स्टॉक जो भी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना नजर आ रही है। कोई मेजर करेक्शन फिलहाल यहाँ पे बड़ा करेक्शन के ट्रिगर नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बट यस, जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो ये है नजरिया सरकारी शेयरों पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं हम पावर प्ले सेगमेंट। तो हमारे साथ नीलेश लगातार बने हुए हैं। नीलेश, जरा बताइए पावर प्ले सेगमेंट में आज आपकी पसंद क्या है? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है। इनफैक्ट जो दो स्टॉक आइडियाज है दोनों बाय करने के लिए है। सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर काउंटर है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो लगातार यहाँ पे सीरीज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोटम फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है और आज भी एक नए रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर काउंटर में बनते हुए नजर आए हैं। तो करंट लेवल पर केन्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 4880 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। 4820-4800 के आसपास का लगभग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे चल सकते हैं। 5050 और 5200 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है वो है हैवेल्स, जहाँ पर हमें काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहे हैं ऑन डेरिवेटिव फ्रंट। और उसके अलावा टेक्निकली कल इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था और आज जो फॉलो अप मूव है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन ऑफ अ पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1900 प्लस हैवेल्स को हम यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस अपना होगा 1810 का एंड टारगेट होंगे 1900 और 1950 के। 1900 और 1950 के दो लक्ष्यों के लिए हैवेल्स इंडिया पर खरीदारी की राय नीलेश जी की ओर से। शुक्रिया करेंगे नीलेश जी, अपने बाकी एक्सपर्ट का भी शुक्रिया करेंगे हम जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े। नीलेश जी, जाते जाते अपना डिस्क्लोजर दें। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए शो के दौरान जो भी स्टॉक का हमने जिक्र किया और हमारी ऐसे रिकमेंडेशन पिच की है वो हमने हमारे क्लाइंट को सुझाई हो सकती है, बट हमारा पर्सनल निवेश कोई भी स्टॉक में नहीं है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए शुक्रिया करेंगे नीलेश जी एक बार फिर से आपका हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल शो में जाते जाते आपको एक खास बातचीत सुनवाते हैं। ईटी नाउ स्वदेश पर आजादी की वर्षगांठ हम खास अंदाज में मना रहे हैं। पूरे दिन खास शोज के साथ बड़े बिजनेस घरानों के साथ विशेष बातचीत भी हम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए देखते हैं रेमंड ग्रुप का सफरनामा। कंपनी के चेयरमैन और MD गौतम सिंघानिया से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद ने। So, मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशनल और आइकॉनिक जर्नी पर बात करने के लिए खुद रेमंड ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया मौजूद हैं। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं और रेमंड तो एक सेंचुरी ओल्ड ब्रांड है और आपको तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स आपने लिए हैं इस ग्रुप के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज करना हो या फिर उससे पहले लाइफस्टाइल बिजनेस को डीमर्ज करना हो, इंजीनियरिंग बिजनेस को कंसोलिडेट करना हो, एक्सपैंड करना हो, बड़ी वैल्यू क्रिएट हुई है शेयर होल्डर्स के लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का आपने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। कैसे आपने बड़े डिसीजंस लिए? आपके लिए सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट कौन सा होगा? हम लोग ने जब डिसाइड किया कि हमको शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना है तो हम लोग वो रास्ते पे चले। आई थिंक ये जर्नी में लास्ट 3-4 साल में पहली मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट वाज जब हम लोग ने FMCG बिजनेस डाइवर्स कर दिया। उससे हम अपना डेट रीपे कर पाए। जो डेट रीपे कर पाए उसका नेक्स्ट इफेक्ट वाज कि हम लाइफस्टाइल को डीमर्ज कर सकें। उसको डीमर्ज करने के बाद रियल एस्टेट को डीमर्ज करने, इतने बीच में हम लोग ने इंजीनियरिंग की बिजनेस खरीदी। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई और एक जर्नी पे हम चल पड़े हैं। इंजीनियरिंग मर्जर ख़त्म हो गया, रियल एस्टेट के बिज़नेस में हमको एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं।
तो ये एक अच्छा जर्नी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम, क्योंकि ये सेंचुरी ओल्ड ब्रांड है, आप 100th ईयर में है, और एक ब्रांड को 100 साल तक अलाइव रखना, यानी कितना आप इवॉल्व हुए होंगे, रेमंड्स लाइफस्टाइल के बिजनेस की बात कर रहे हैं, कैसे आपने कंज्यूमर के टेस्ट को, इंटरेस्ट को, इंडियन कंज्यूमर्स को इन सारे सालों में शेपअप होते हुए देखा है? देखिए, कंज्यूमर तो बदली हो ही रहा है, और वो बहुत इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होता है, टीवी से होता है, मीडिया से होता है, तो अपनी डिज़ाइन डेवलपमेंट टीम्स को हमेशा देखना पड़ता है कि अभी नया क्या बना सकते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग कंटिन्यूसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। अगर आप देखिए, हमने अभी स्लीपर लॉन्च किया, ये एक रेमंड के ब्रांड में नहीं था, शर्टिंग का बिजनेस बड़ा कर दिया, लिनिन का कर दिया, मेड टू मेजर होम, ऐसे बहुत कैटेगरीज हम लोग ने लॉन्च किए हैं। रेमंड प्रीमियम अपैरल लॉन्च किया हमने। आज अगर आप हमारे ट्रेड शो में आके देखें तो जितनी वैरायटी फैब्रिक की हम यूज़ करते हैं वो पूरा बदली हो गया है। तो एक ये एवोल्यूशन ऑफ द ब्रांड है, लेकिन कोर में तो इसमें ट्रस्ट है जी। आज एथनिक वेयर भी हम करते हैं, तो शादी में आप सूट पहनते थे, अब आप संगीत के दिन एथनिक वेयर पहनते, तो एक एक हमने ऐड किया है और कोर ऑफ द ब्रांड में ट्रस्ट है। लेमन को लोगों को मालूम है, मैं 300 रुपये का फैब्रिक खरीदूँ या 10 लाख रुपये का फैब्रिक खरीदूँ, एंड ऑफ द डे हमको क्वालिटी मिल रही है और ये रेमंड हाउस से आ रही है। मतलब बहुत ही